हेलो गाइस, मैं हूं केके जोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जे ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम सी के प्रोग्राम में हम दो नंबर को सॉल्व कराएंगे। यदि मैंने दो नंबर लिए ए और बी, और जो मैं ए का जो वैल्यू देता हूं या फिर जो बी का वैल्यू देता हूं, तो इनके बीच में इंटरचेंज करूंगा, मतलब ए की वैल्यू बी में आ जाएगी और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम अपने कोड ब्लॉक पे चलते हैं और हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो फिर से अगेन आप न्यू फाइल ले लीजिए एंड कंसोल विंडो पे जाइए, नेक्स्ट कीजिए और आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। एंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट का टाइटल या फिर आपके प्रोग्राम का टाइटल। मैंने लिखा स्वैप और आप इसे फिनिश करें। उसके बाद आप सोर्स पे जाएं और आपका जो मेन फंक्शन है सी का, वो आपका यहाँ पर सी मेन डॉट सी करके आ जाएगा। और आप जो बाई डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो कि कोड ब्लॉक प्रोवाइड करता है, उसे आप इसे रिड्यूस कर दें या फिर काट दें। उसके बाद आपको दो नंबर लेनी है, तो आपको यदि दो नंबर को स्वैप कराना है, तो आपको एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा जो टेम्परेरी वेरिएबल्स होगा। आप वहीं से स्वैप कराएंगे, उस डेटा को स्वैप करा के तीसरे वेरिएबल पे। तो हमें मैं बेसिकली प्रोग्राम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि स्वैपिंग होता कैसे है। तो आपको आपको इंटीजर टाइप के डेटा के लिए करना है। आपका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, तो आप किसी पॉजिटिव नंबर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर तीन डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम देना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल के साथ काम करना है, तो मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं विथ वेरिएबल्स काम कर रहा हूँ, स्वैपिंग करूंगा विथ वेरिएबल्स। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या टेम्परेरी वेरिएबल लेने के बाद, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, फिर सेमी कॉलन किया, दो वेरिएबल लिया, फिर मैंने तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ सी। ठीक है, उसके बाद मैं इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को टर्मिनेट करता हूँ सेमी कॉलन से। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, इंटर वैल्यू ऑफ इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर टर्मिनेट करें अपनी स्टेटमेंट को। उसके बाद आप स्कैनर फंक्शन का यूज करें। जब ये जो प्रिंटर फंक्शन है वो बेसिकली यूजर को शो होगा जब प्रोग्राम रन होगा। तो हमें यदि यूजर से कोई इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसा परसेंट डी लूंगा, और परसेंट डी क्योंकि मैं इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी रखूंगा, परसेंट डी। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट दूसरे वैल्यू को रीड करवाने के लिए मैं एक मैसेज इंटर करूंगा, इंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट करवा दें, क्योंकि हमें दूसरा वैल्यू भी रीड करवाना पड़ेगा यूजर से। यूजर अपना इनपुट देगा, फिर मैं स्कैन एफ करूंगा, फिर मैं दूसरे वैल्यू को भी रीड करवाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर एंड पोर्शन बी रखूंगा। और उसके बाद मेरे पास दो वैल्यू रीड हो चुकी है, यूजर का पहला आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, और रीड करा जाएगा इस वाले वेरिएबल पे। आप यहाँ पर परसेंट रख लें, तो दोनों वैल्यू रीड हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। उसके बाद आप यहाँ पर काम कर लें स्वैपिंग का। मैंने ए दे दिया, ए का वैल्यू सी पे चला गया, टेम्परेरी वेरिएबल है जो। और उसके बाद फिर मैंने दे दिया बी का जो वैल्यू है, उसको मैंने ए पे रख दिया। तो मैं क्या करूँगा कि ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, बी इक्वल सी। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद परसेंट डी, और मैं यहाँ पर वेरिएबल है ए का, मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैसेज डेटा को टाइप करना पड़ जाएगा दोबारा, तो मैं इसी को कॉपी करके जस्ट बी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, और बी के लिए यहाँ पर जाके अभी से कम कर लें, और वैल्यू ऑफ आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पर आप बी कर लें,
और यहाँ बस आप वेरिएबल पी स्मॉल पी कर लें। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो गया, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सेव कर लेता हूँ। तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। थोड़ी सी कोड ब्लॉक में प्रॉब्लम है, तो एक बार और हमें इसे टर्मिनेट करने के बाद एक बार और इसे रन कराना पड़ेगा। आपके पास मैसेज आ गया है कि इंटर ऑफ इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो आपको वैल्यू ए का वैल्यू देना है। आपको मैंने दे दिया जैसे 20। उसके बाद आपके पास दूसरा मैसेज आता है इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो इंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने दे दिया 40, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं स्वाइपिंग के बाद जो ए की वैल्यू है वो 14 हो गई है और बी की वैल्यू 20 हो गई है। तो मैं एक बार मुझे स्लैश एंड करके इसे नीचे लाना पड़ेगा ताकि वैल्यू परफेक्ट दिखे मुझे। एक बार मैं इसे फिर से रीड करवाऊंगा और इसे फिर से कंपाइल करके फिर एक बार रन कराता हूँ। फिर यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, मैं वैल्यू देता हूँ 20, उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ 40। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए 40 हो गया है और स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू बी है वो 20 हो गया। आप देख सकते हैं स्वैपिंग हुआ है यहाँ पास, एक जो वैल्यू वो बी में चली गई है और बी की वैल्यू जो है ए में चली गई है, ठीक है। तो ये स्वैपिंग है। तो मैं एक बार कोड को एक बार आपको मैं रीड करवा देता हूँ। क्या है, इंटीजर टाइप का, यहाँ पर देख सकते हैं मुझे इंटीजर टाइप के डेटा के साथ काम करना था स्वैपिंग का, इसीलिए मैंने इंट डेटा टाइप लिया और उसमें मैंने तीन वेरिएबल डिफाइन किए हैं ए बी सी, ठीक है। दो दो वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर होंगे और तीसरा टेम्परेरी जो वेरिएबल दिया है मैंने सी, वो बेसिकली आपको टेम्परेरी जो आपका डेटा एक्सचेंज करना होगा उस समय हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया इंटर ए वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और इस स्कैनर से मैंने यूजर का जो भी डेटा था मैंने उसे 20 दिया था, तो 20 को मैंने ए में स्टोर कराया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर परसेंट भी इसलिए रखा है कि क्योंकि मेरी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, बी इंटीजर का, ठीक। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करा इंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक, उसे टर्मिनेट किया। फिर मैंने उस वैल्यू को मैंने बी में स्टोर किया, वो वैल्यू बी में स्टोर हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन जो है तीन टर्म यहाँ पर ही काम हो रहा है, यहाँ पर ही कुछ लॉजिक लगा हुआ है, उन्हीं को आप समझिए। क्योंकि तो सी वेरिएबल जो था मेरा वो एम्प्टी था, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सी की जो वैल्यू ए की जो वैल्यू है ए की जो वैल्यू है मैंने सी में ट्रांसफर कर दी। हमेशा जो वैल्यू है एजाइन होता है वैल्यू राइट से लेफ्ट की ओर होता है, मतलब जो राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू एजाइन होगा, मतलब जो ए की जो वैल्यू है वो सी में चली गई और सी तो एम्प्टी था, ठीक है, और वो सी में चले गया, मतलब ए खाली हो गया और सी में ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी का जो वैल्यू था, बी का जो वैल्यू जो मैंने इंटर कराया था, बी के वैल्यू को मैंने ए में ट्रांसफर कर दिया, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर गया। तो बी ए तो मेरा खाली था क्योंकि ए का वैल्यू सी में चले गया था, तो ए तो खाली हो गया। तो ए खाली होने के बाद मैंने बी की जो वैल्यू थी उसको ए में ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बी खाली हो गया, बी खाली हो गया, तो मैंने क्या किया, जो सी का जो वैल्यू था मैंने ए में डाल दिया, और सी का जो वैल्यू कहाँ से आया था, ए से आया था, तो ए का वैल्यू बी में चले गया और यहाँ से जो बी का वैल्यू था वो ए में चले गया। तो ये स्वैपिंग हो गया। और यहाँ पर मैंने सिंपली जो स्टेटमेंट थी उसे प्रिंट करा दी कि आफ्टर स्वैपिंग ऑफ ए, तो ए की वैल्यू जो प्रिंट थी ए की वैल्यू में बी आ गई है, ए के वेरिएबल में बी की वैल्यू आ गई है और बी के वेरिएबल में ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।